नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार कैरी और मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। गांव मित्राओं में हर वर्ष की भांति किया जा रहा है भंडारे का कार्यक्रम, यह हर वर्ष होता है दयाराम जी की स्मृति में। हमारे साथ क्षेत्रीय पार्षद है सूरज गहलोत जी, बात करेंगे। सूरज गहलोत, सूरज जी, दयाराम जी की स्मृति में एक आयोजन किया जा रहा है, हम जानना चाहेंगे दयाराम जी के बारे में, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ठाकुर दयाराम जी की पुण्यतिथि जो है, इसकी स्मृति में हर साल यहाँ एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। हेली परिवार जो है समस्त गांव वालों के साथ मिलकर इसका आयोजन करता है। यह लगातार 8वां आयोजन है, तो 8 साल से लगातार यहां पर विशाल भंडारा होता है और हजारों की संख्या में लोग यहां आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप देख रहे हैं आज भी हजारों की संख्या में लोग यहां आए हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कितना भव्य नज़ारा है, कितना सुंदर दृश्य है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, बात करेंगे जी। आप भाजी, आपका क्या नाम है? मास्टर सतबीर सिंह। आपके गांव में एक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है हर वर्ष की भांति, इस वर्ष भी किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे पूजनीय दादाजी दयाराम जी की पुण्य स्मृति में ये भंडारे का आयोजन किया जाता है और ये 8वां भंडारा है हमारा। और हमारे पूजनीय दादाजी जो थे वो 1200 गाँव का लगान इकट्ठा करके और महाराजा भरतपुर के यहाँ जमा कराते थे। उनको गवर्नर की पावर मिली हुई थी जिस समय उनका वो काल था, गवर्नर की पावर थी उनके पास और बहुत अच्छे आदमी थे। उनके 4 लड़के थे, बड़े का नाम ठाकुरदास, दूसरे का मित्रसेन और तीसरे का चरण सिंह और सबसे छोटे जो थे वो लक्ष्मण सिंह। अब उनमें से 3 की औलाद जो है वो चल रही है और बड़ा अच्छा। हमारे साथ कुछ और बुजुर्ग भी हैं, बात करेंगे जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस भंडारे के आयोजन को लेकर? मेरा नाम त्रिलोक सिंह है और मैं मित्राओं निवासी हूँ और ये हमारा जो भंडारा है ठाकुर दयाराम जी की स्मृति पे ही मनाया जाता है और ये हमारे पूर्वज रहे हैं और इनको हेली वालों के नाम से पुकारा जाता है। इनके बहुत पूर्वज से हैं और ये हर साल ही बड़ी हर्षोल्लास से गांव मित्राऊ और सभी मिल मिला के मिलाते हैं और हर इलाके से लोग इस भंडारे में सम्मिलित होते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हमारे साथ क्षेत्रीय पार्षद अंतिम सूरज गहलोत। यहाँ मित्राऊ हमारे शिवालय के मंदिर में हर साल हम इस भंडारे का आयोजन यहाँ पर होता है मित्राऊ गांव में। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जिस मंदिर के बीच में हम खड़े हुए हैं ऐसा ही आयोजन हर साल यहाँ पर होते रहें और श्रद्धालु यहाँ पर आते रहें और भंडारे का ऐसे ही आयोजन होता रहे, क्योंकि ये मेरा पैतृक गाँव है तो मुझे भी इस भंडारे में आकर के सेवा करने का मुझे मौका मिलता है, प्रसाद ग्रहण करने का मुझे मौका मिलता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे और मैं ऐसे ही अपने गांव में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग लेती रहूं और ऐसे ही मैं सेवा करती रहूं। कहना चाहेंगे आपके गांव में भंडारे का आयोजन किया गया है? बहुत अच्छा होता है हमारे दादा के लिए, पूरे हर साल होता है गर्मी के महीने करते हैं। हमारा जो पितर है, हमारा दादा छतरीवाड़ा है, उसका हम आए साल करते हैं भंडारा। हर साल यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाता है गाँव वालों की तरफ से बताया जा रहा है। हमने आप बात करी अंतिम सूरज गहलोत जो क्षेत्रीय पार्षद है, उन्होंने भी बताया कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है और